ग्राम पंचायतों के पहले चरण के मतदान प्रक्रिया में मतदान करने समीरपुर अपने निवास स्थान पर केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने परिवार सहित मतदान किया। समीरपुर में मतदान केंद्र पर अनुराग ठाकुर अपने पिता पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, छोटे भाई बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष एवं एचपीसीए के अध्यक्ष अरुण धूमल ने लाइन में लगकर सादगी में अपनी बारी का इंतजार कर मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लिया। वहीं इससे पहले मतदान केंद्र पर पहुंचने पर कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए अनुराग ठाकुर ने परिवार सहित थर्मल स्क्रीनिंग करवाई तो हैंड सैनिटाइजर भी किए। केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने मतदान करने के बाद कहा कि मतदान करने से सभी को इकट्ठे होने का अवसर मिलता है और अपने क्षेत्र के विकास के लिए अपने क्षेत्र के बढ़िया लोगों को चुने, क्योंकि मतदान सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए मतदान करके अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करने के लिए सभी लोग आगे आए। मतदान एक त्योहार की तरह है, इस अवसर पर सबको इकट्ठे मिलने का भी अवसर मिलता है, मतदान करने का अवसर भी मिलता है और नए और अच्छे प्रतिनिधि चुनने का अवसर भी मिलता है। अपने क्षेत्र के विकास के लिए अच्छे लोगों को चुने, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, यही मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा, क्योंकि इससे बड़ी ताकत लोकतंत्र में कोई नहीं, मतदान ही सबसे बड़ी ताकत है और इसका सदुपयोग करें। आगामी वित्त वर्ष के बजट में हिमाचल के लिए प्रावधान पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल को कभी बजट का इंतजार नहीं करना पड़ता और बजट के अलावा भी हिमाचल की मांगों को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महामारी किस्त में से 500 करोड़ रुपए ब्याज मुक्त हिमाचल प्रदेश को दिया गया है, जिससे हिमाचल प्रदेश को धन की कोई आड़े नहीं आने दी है। हिमाचल को बजट का इंतजार नहीं करना पड़ता, बजट के अलावा भी हिमाचल की मांगों को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। अगर आप देखें महामारी के समय भी, जहां एक और वेज एंड मीन्स एडवांसेस 60% बढ़ाए गए, FRBM एक्ट में 3% की बजाय 5% पैसा रेज करने की अनुमति दी गई और साथ ही साथ 500 करोड़ रुपया बगैर किसी ब्याज के, बगैर किसी मूलधन के, यानी कि 50 वर्षों तक ना आपको ब्याज ना मूलधन वापस करना है, ये 500 करोड़ रुपये हिमाचल को दिया गया। हर तरह से मदद मोदी सरकार ने की, चाहे वो बड़ी योजनाएं हों, अन्न और धन दोनों की कोई कमी नहीं आने दी और हमारा प्रयास रहेगा भविष्य में भी हिमाचल को किसी तरह की कोई समस्या ना हो। अनुराग ठाकुर ने किसान बिल को लेकर कहा कि पीएम मोदी किसान हितेशी सरकार है और किसानों को हर सुविधा दी गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा लाभ किसानों को मिला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने UPA सरकार के समय में स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे और कहा कि मंडी एक्ट से बाहर फसल बेचने का भी प्रावधान नहीं कर पाए थे और ये कांग्रेस की नाकामयाबी रही है। उन्होंने कहा कि जिन किसानों के मन में भ्रम फैलाने का काम करने वालों की वजह से किसान परेशान हुए हैं, जिसे मोदी सरकार के मंत्री किसानों को राहत देने में लगे हुए हैं। इसके दो पहलू देखने चाहिए, एक, नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसान हितेशी है, किसान कल्याण मंत्रालय कृषि के साथ नाम जोड़ा गया, किसानों की भलाई के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लाए, 10 करोड़ किसानों को वर्ष में 6,000 रुपया मिलता है। इसके अलावा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP है, वो भी कांग्रेस के मुकाबले 2.5 गुना ज़्यादा मोदी सरकार ने दिया, 8 लाख करोड़ रुपया दिया, कीमतें ज़्यादा दी, 43% गेहूं धान की कीमत ज़्यादा दी, दलहन तिलहन की कीमत 65 से 70% ज़्यादा दी, खरीद ज़्यादा की, 73% गेहूं की खरीद ज़्यादा हुई, 114% धान की खरीद ज़्यादा हुई। इसी तरह से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, 14,000 करोड़ रुपया प्रीमियम किसान ने दिया तो 70,000 करोड़ रुपया उसको मुआवजा मिला। किसान के लिए स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया गया ताकि उसको दाम अच्छे मिल सकें, लागत प्लस 50% मुनाफा हमने तय कर दिया। किसी तरह की कोई कमी इस सरकार में हमने किसानों को नहीं आने दी। हमारा प्रयास है किसानों की आय को दुगना करना। और दूसरा पहलू यह है कि राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी UPA की सरकार के समय कहते रहे कि वो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे, नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम मंडी एक्ट से बाहर भी, यानी कि मंडियों से बाहर भी फसल बेचने का प्रावधान करेंगे, घोषणा पत्र में कहा, लेकिन उन्होंने नहीं कर पाए। अब इनकी नाकामयाबियां थी, अगर मोदी जी ने कर दिया तो इस पर एतराज क्यों, विरोध क्यों? आखिर 30-30 वर्षों से जो मांग चलती थी,
हमने उसको पूरा करने का काम किया है, इसका विरोध नहीं होना चाहिए, इसका स्वागत होना चाहिए। देश भर के किसानों ने इसका स्वागत किया, और जिन किसानों के मन में अभी भी कोई शंका या भ्रम है और जो लोग भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, हम इसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री उनसे बातचीत कर रहे हैं, और समस्या का समाधान सदा बातचीत से निकलता है। कुछ राह या रास्ते किसानों को भी देखने होंगे, हम भी मिलकर इसका रास्ता निकालेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि लोकतंत्र की बुनियादी इकाई में हर व्यक्ति को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने प्रदेशवासियों से आग्रह किया कि विकास के लिए मतदान करने के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि पंचायतों में करोड़ों रुपए केंद्र से मिल रहा है, इसलिए पंचायतों के लिए विकास के लिए ईमानदार लोगों को चुनकर लोग लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। लोकतंत्र की बुनियादी इकाई पंचायती राज है। वार्ड पंच से लेकर जिला परिषद तक आज चुनाव हो रहा है। मेरा सबसे यही आग्रह है कि विकास का काम यहीं से शुरू होता है और कंप्लीट भी यहीं होता है, और मोदी जी के आने के बाद तो प्रधानमंत्री हर पंचायत को, हर नगर पंचायत को, नगर परिषद को, नगर निगम को सीधे पैसे भेज रहे हैं। करोड़ों रुपया पंचायतों में आता है। कई बार एक विधायक से ज़्यादा पैसा एक प्रधान अपनी पंचायत में खर्च कर सकता है, अगर वो सही काम करे। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, सब लोग खुल के मतदान करें, स्वतंत्रता से मतदान करें, ईमानदार और योग्य लोगों को चुने, अच्छी पंचायतें बनाएं और क्षेत्र का विकास करवाएं। प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि पीएम मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं और कोरोना वैक्सीन को लाकर लोगों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना फ्रंटलाइन वर्करों को वैक्सीन की सुविधा दी जा रही है, जो कि बहुत ही सराहनीय निर्णय है। साथ ही धूमल ने कहा कि वैक्सीन को लेकर विपक्ष फिजूल की बयानबाजी कर रहा है, क्योंकि विपक्ष को हार का डर हमेशा रहता है, क्योंकि हार की वैक्सीन अभी तैयार नहीं हुई है। हमारे प्रधानमंत्री आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता उभर कर आए हैं, और जो काम उन्होंने किया है वो बहुत शानदार रहा है। 130 करोड़ के लोगों के लिए वैक्सीन तैयार हो रही है, और जो कोविड 19 से फाइट कर रहे थे मेडिकल स्टाफ के लोग, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य जिन्होंने महत्वपूर्ण ड्यूटी दी है, उनको सबसे पहले ये सुविधा दी जा रही है। ये बहुत अच्छा निर्णय है। प्रधानमंत्री का धन्यवाद, वैज्ञानिकों का और डॉक्टर्स का धन्यवाद, जो लोग भी इस काम में लगे थे मानवता की सेवा के लिए, उन सबको धन्यवाद और बधाई। विपक्ष को हार का डर हमेशा रहता है, और उसकी वैक्सीन अभी तैयार हुई नहीं। जब होगी तो एक वैक्सीन, वो भी प्रधानमंत्री को कहेंगे पहले इनको लगा दी जाए, क्योंकि उनको ज़्यादा डर है।